नमस्कार मित्रों, हम अभी जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं ये इस सेंचुरी की एंड वर्ल्ड वॉर टू के बाद से की अभी तक की वन ऑफ द बिगेस्ट वर्ल्ड क्राइसिस है और इससे हम सभी इंडिविजुअल्स को नेशन एज अ होल एंड इकोनॉमी सभी पे बहुत ज्यादा बड़ा असर पड़ने वाला है। IMF ने तो ऑलरेडी बोल दिया है कि रिसेशन आ चुका है एंड ये ग्लोबल रिसेशन है। सो ऐसे टाइम पे व्हाट आई फील इज कि वी नीड अ लॉट ऑफ ट्रस्ट, वी नीड अ लॉट ऑफ सोशल हार्मोनी अमंग अवर सेल्फ, क्योंकि अगर हम सिर्फ ये हिंदू मुसलमान और तबलीगी जमात में रह गए तो इकोनॉमी तो जाएगी ही लेकिन हम में से बहुतों की जाने भी जा सकती। लेकिन दूसरे तरफ हमारे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया है जिनको ये इश्यूज शायद इम्पोर्टेंट लगते ही नहीं है, क्योंकि आप कभी भी टीवी ऑन कर लीजिए कोई भी चैनल पे आपको इन इश्यूज पे डिस्कशन दिखेगा ही नहीं। तो जरूर देखिएगा वीडियो लास्ट तक एंड अगर कहीं पे भी आपको मेरा कोई पॉइंट या एनालिसिस गलत लगता है तो जरूर कमेंट सेक्शन में उसे पॉइंट आउट करिए, मैं अपने अगले वीडियोस में उसे करेक्ट कर लूंगा। एंड अगर कोई पॉइंट पसंद आता है तो भी जरूर बताइएगा। तो बिना देर करे चलिए शुरू करते हैं। तो ये पहली बार नहीं है जब वर्ल्ड कोई फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहा है, इसके पहले भी 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, लेकिन तब के और अब के क्राइसिस में कुछ बेसिक से लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट डिफरेंस है। 2008 का क्राइसिस एक प्योरली फाइनेंशियल क्राइसिस था जब अमेरिका का हाउसिंग सेक्टर कम्प्लीटली कोलैप्स हो गया और इससे जुड़े हुए लोगों ने जितने भी इन्वेस्टमेंट्स किए थे पूरे दुनिया भर में वो भी कोलैप्स हुए। लेकिन इससे निपटने के लिए सारी दुनिया ने फाइनेंशियल हथियार यूज की, जैसे US के फेडरल रिजर्व यानी अमेरिका के RBI ने काफी सारे फंड्स रिलीज किए इसको कवर करने के लिए एंड इससे फाइनली निपटने के लिए। एंड ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज ने कुछ ऐसे ही हथियार, फाइनेंशियल हथियार यूज किए थे इस ग्लोबल क्राइसिस से बाहर आने के लिए। लेकिन अगर देखें तो 2020 यानी अभी का क्राइसिस फंडामेंटली फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी क्राइसिस है ही नहीं, यहाँ बात लाइफ एंड डेथ की है। ये बात अलग है कि हमारी इकोनॉमी पिछले कुछ क्वार्टर्स में स्लो डाउन फेस कर रही है एंड हमारा GDP भी ड्रेस्टिकली नीचे गिरा था और ऊपर से अभी कोरोना वायरस आ गया। तो ये बात फिक्स है कि 2020 में एक मैसिव रिसेशन आने वाला है। IMF ने तो ऑलरेडी कह दिया है कि रिसेशन आ चुका है एंड ये ग्लोबल रिसेशन है, बट क्योंकि ये एक लाइफ एंड डेथ से आई हुई प्रॉब्लम है तो ऐसे में फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी क्राइसिस ये एक सेकेंडरी पार्ट है। एंड वी ऑल नो अवर लाइफ इज फार मोर प्रीशियस देन मनी एंड वेल्थ। 2008 का एक प्योरली फाइनेंशियल क्राइसिस था तो उस टाइम जो तरीके एंड फाइनेंशियल वेपन्स यूज करके सब कंट्रीज ने खुद को बचा लिया था, खुद की इकोनॉमी को, वो इस बार पूरे क्राइसिस का एक पार्ट हो सकते हैं बट पूरा प्लान नहीं। तो अगर ऐसे टाइम पे गवर्नमेंट को पूरे इकोनॉमी को बचाना है तो बहुत डीपली एंड इनोवेटिवली सोचना होगा। एंड सिर्फ गवर्नमेंट को ही नहीं बल्कि हम सभी को अपने इंडिविजुअल लेवल पे इनोवेटिवली सोचना होगा, एंटरप्रेन्योर्स बनना होगा। एंटरप्रेन्योर्स डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं कंट्री को इस कोरोना क्राइसिस से बाहर निकालने में, अब वो कैसे मैं वीडियो के लास्ट पार्ट में बताऊंगा। अब हुआ ये कि हमें इंडिया में भी कंप्लीट लॉकडाउन करना पड़ा जो कि एक इम्पोर्टेंट स्टेप था ही, क्योंकि इसके बिना इस डेडली डिसीज को कंट्रोल कर पाना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन जब ऐसे कंप्लीट शटडाउन होता है एंड इंडस्ट्रीज पूरी की पूरी तरह शटडाउन हो जाती है तो इससे और एक प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है। चलिए मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो मानिए कि हम रात को अपनी गाड़ी से या कार से घर वापस आए एंड गाड़ी या कार बंद करके हम जाके सो गए। अब नेक्स्ट इन द मॉर्निंग जब हमको ऑफिस या कॉलेज जाना है तो हम सिंपली क्या करते हैं, गाड़ी की चाबी लेते हैं, चाबी डालते हैं, घुमाते हैं यानी ऑन करते हैं एंड ये बहुत इजीली हो जाता है। लेकिन इकोनॉमी के साथ या किसी कंपनी या बड़ी इंडस्ट्री के साथ एक गाड़ी वाला फंडा काम नहीं करता है कि सिंपली चाबी लगाए एंड ऑन कर दिए। तो जब हम पूरे इंडस्ट्री को फिजिकली शटडाउन कर देते हैं तो उससे क्या होता है, जो काम की प्रोसेसेस चलती है इंटीग्रेटेड चेन्स प्रोडक्शन की, लॉजिस्टिक्स की या डिस्ट्रीब्यूशन की, सब टूट जाती है एंड इससे इफिशियंसी पे भी ड्रेस्टिकली इफेक्ट पड़ता है। उन्हें फिर से बनाना इज नॉट दैट इजी कि जिस स्पीड से हमने उसे बंद किया था उसी स्पीड से वापस चालू कर दे, लाइक वी डिड इन द केस ऑफ अवर कार। एंड बड़े इंडस्ट्री के तो शायद बहुत सारे लेबर्स वापस आए ही ना, ऐसे माइग्रेंट लेबर्स जो अपने घरों को या गांवों को वापस जा चुके हैं, तो वर्कफोर्स की भी एक बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है बड़े इंडस्ट्रीज को। एंड अगर हम डाटा देखें तो इंडिया 50% GDP इसी सेक्टर से आता है एंड 90% एम्प्लॉयमेंट भी यही सेक्टर जनरेट करता है जो मैक्सिमम लेबर क्लास से चलती है। तो क्या पता बहुत सी ऐसी कंपनीज तो शायद स्टार्ट ही ना हो पाए क्योंकि लेबरर्स वापस ही नहीं आएंगे, क्योंकि यार सभी को अपनी जान ज्यादा प्यारी है। तो डेफिनेटली इसका इकोनॉमी पे बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अगर आज से एक महीने पहले मैं आपको मुंबई से दिल्ली जाने को कहता
तो कोई बड़ी बात नहीं थी, आप आइदर एक ट्रेन या फ्लाइट पकड़ दे एंड झट से दिल्ली पहुंच जाते। यही मैं अगर आपको सिंगापुर या बैंकॉक भी जाने बोलता तब भी कोई बड़ी बात नहीं थी, एक फ्लाइट की हेल्प से हम इजिली पहुंच जाते। लेकिन मान लीजिए आज मैं आपको सिंगापुर का 3 days and 4 nights का पूरा एक टूर स्पॉन्सर करूं एंड आपको टिकट दूं, क्या आप जाएंगे? आप उस टिकट को भी छूने से मना कर देंगे। बहुत लोग तो ये भी बोलेंगे कि क्या पता इसमें कोरोना वायरस हो। एंड ये हाल सिर्फ ट्रेवल इंडस्ट्री का ही नहीं बट बल्कि बहुत से इंडस्ट्रीज का होने वाला है, लाइक एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट और इंटरनेशनल बिजनेस, पोल्ट्री इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट बिजनेस एंड रेस्टोरेंट चेन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आज से कुछ दिनों बाद जब होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स रीओपन हो जाएंगे तो क्या आप उसी सेम फ्रीक्वेंसी से बाहर खाने जाएंगे जैसे आप पहले जाते थे? हाँ, इस कंडीशन के लिए वो लोग एक्सेप्शनल है जो लिख रहे हैं अपने स्टेटस में कि 15 को मैं ब्रेकफास्ट फर्स्ट होटल में करूंगा, लंच किसी सेकंड होटल में करूंगा और डिनर किसी थर्ड होटल में करूंगा। बल्कि वो स्टेटस वाले लोग भी बाहर खाने जाने से डरेंगे क्योंकि कितना भी डिसइंफेक्ट हो जाए अल्टीमेटली जब बात जान पे आएगी तो लोग डेफिनेटली डरेंगे ही। एंड ये सेम चीज हमने पोल्ट्री बिजनेस का ऑलरेडी देख चुका है कि डॉक्टर्स एंड सभी के इतना बताए जाने के बाद भी कि चिकन्स एंड एग से कोरोना वायरस नहीं होता या नहीं फैलता, हालत ये हो गए थे कि 300-400 रुपए किलो बिकने वाला चिकन 50 रुपए किलो बिक रहा था तब भी कोई लेने को तैयार नहीं। एंड मुझे नहीं लगता कि 2 महीने या 3 महीने में ये कम्प्लीटली नॉर्मल हो पाएगा। अकॉर्डिंग टू मी, रिटर्निंग टू द ओरिजिनल पैटर्न ऑफ बिजनेस एंड विनिंग द कस्टमर्स कॉन्फिडेंस इन एनी ऑफ दिस इंडस्ट्रीज इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट एंड जो लोग ये करेंगे कॉस्ट फॉर देम इज गोइंग टू बी वेरी हाई। तो इसका इकोनॉमी पे बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। कोरोना वायरस की प्रॉब्लम ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एंड जब भी ऐसी कोई बड़ी क्राइसिस आती है तो हम इंडिविजुअल्स ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, हम एट मोस्ट एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। लेकिन कोरोना जिसको आपकी कंट्री, कलर, एज, रिलीजन या फिर आप कितने अमीर हो या गरीब हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसे टाइम पे गवर्नमेंट ही है जो अपने पावर्स यूज करके कुछ बड़ा कर सकती है। तो अगले कुछ महीने में पॉसिबल है कि स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स हमारे सोसाइटी में कुछ मेजर फंडामेंटल चेंजेस लाए। एंड अगर सोसाइटी में मेजर फंडामेंटल चेंजेस होगा तो डेफिनेटली इकोनॉमी में भी होगा। अब क्योंकि इन सब की एक कॉस्ट होती है, अब चाहे वो रिलीफ पैकेज हो या फिर फंडामेंटल चेंज इन लॉ, इनडायरेक्टली घूम के एक कॉमन मैन या फिर एक टैक्स पेयर को ही बियर करना होता है, तो इसका डेफिनेटली हम सभी पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। एंटरप्रेन्योर्स आर गोइंग टू बी द मोस्ट वैल्यूएबल पीपल राइट नाउ क्योंकि ये वही लोग हैं जो ऐसे हालातों में भी बिजनेस को चलाते रहना चाहते हैं और नए नए बिजनेस खड़े करते रहना चाहते हैं, तो सोसाइटी को एंड गवर्नमेंट को इन्हें बहुत ज्यादा सपोर्ट करना होगा। इन हालातों में भी जब मैक्स कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को फायर करने में लगी है, यही वो लोग हैं जो मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। एंड ऐसा ही आपका एक छोटा भाई भी है जो अपने इस चैनल को ग्रो करना चाहता है एंड और वीडियोज बना के अपने इस चैनल को स्केल अप करना चाहता है, लेकिन बस जरूरत है तो आपके एक सपोर्ट की। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस वीडियो को एंड जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। बाकी सारे मुद्दे भुला के अभी हमें बस इस बात पे फोकस करना चाहिए कि कैसे हम इस लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। एंड एक बार ये सब खत्म हो गया देन वी कैन फोकस टू रिकंस्ट्रक्ट अवर इकोनॉमी क्योंकि एवरी वन ऑफ अस हैज अ स्मॉल रोल इन रिकंस्ट्रक्टिंग और रीबिल्डिंग द इकोनॉमी। एंड अगर हमने तब नहीं किया तो वी विल कीप सिंकिंग डीपर एंड कुछ समय के बाद इसको रिकंस्ट्रक्ट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद पोस्ट लॉकडाउन कॉमन मैन की लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, कौन से सेक्टर की चीजें महंगी हो सकती है या फिर कौन से सेक्टर पे सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट पड़ेगा, इस पे भी मैं एक पूरा डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज अपने सजेशंस आते रहने दें कमेंट सेक्शन में। सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस का तो बहुत ज्यादा ध्यान रखें एंड अगर आपको आपके अंदर कुछ भी सिम्टम्स नजर आ रहे हैं तो बिल्कुल ना घबराएं, बट किसी भी पास के नियरेस्ट हेल्थ सेंटर पे जाके अपना चेकअप कराएं
क्योंकि इससे ना सिर्फ आप अपनी जान बचा रहे हैं बट आपकी फैमिली एंड आपके आसपास के लोगों का सभी का जान बचा रहे हैं। तो अगर आपको मेरा ये एनालिसिस पसंद आया होगा तो जरूर लाइक करें इस वीडियो को एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे एनालिसिस चाहते हो तो, एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस वीडियो को ऑन योर व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम स्टोरीज एंड विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एज वेल। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।